साल 2023 का सबसे बड़ा सबसे चमकीला चंद्रमा इस महीने के आखिरी में दिखाई देने जा रहा है। 30 अगस्त को राखी के दिन चांद का रंग और आकार देखने लायक होगा। चांद पर एक साथ 3 घटनाएं होने की वजह से इसे ब्लू मून कहा जा रहा है। ब्लू मून का चांद के रंग से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस दिन चांद तो नारंगी रंग का नजर आएगा। ये अगस्त महीने में दूसरा पूरा चांद होगा। साल का ये सबसे बड़ा चांद ऐसे समय में दिखाई देगा जब भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर होगा। ब्लू मून दो तरीके के होते हैं। अगस्त में दिखाई देने वाला सुपर मून पहली श्रेणी में आता है। ये पूरा चांद हर 30 दिन में निकलता है। इस तरह से एक चांद 1 अगस्त को निकल चुका है, वहीं दूसरा चांद 30 अगस्त को निकलने वाला है जो ब्लू मून होगा। ये ब्लू मून आम तौर पर 2 से 3 साल में निकलता है। 30 अगस्त के बाद अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को निकलेगा। दूसरी तरह का ब्लू मून सीजनल ब्लू मून कहा जाता है। ये ब्लू मून तब निकलता है जब कैलेंडर ईयर में 12 के बजाय 13 पूरे चांद होते हैं। सीजनल ब्लू मून हर 2 से 3 साल में निकलता है। अगला सीजनल ब्लू मून 19 अगस्त 2024 को निकलेगा। एक सुपर मून तब होता है जब पूरा चांद धरती की कक्षा से सबसे करीबी पॉइंट पर पहुंच जाता है। 30 अगस्त को निकलने जा रहा सुपर मून दूसरा होगा। साल 2023 में दिखाई देने वाले 4 सुपर मून में सबसे बड़ा और चमकीला होगा। इस दौरान चांद धरती से बहुत नजदीकी कक्षा में होगा। अगला सुपर मून 29 सितंबर को दिखाई देगा। ये साल 2023 का आखिरी सुपर मून होगा। वैज्ञानिकों की माने तो ब्लू सुपर मून को खुली आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि दूरबीन और टेलीस्कोप से भी ये बेहतर दिखाई देता है। सुपर मून के दौरान चांद 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून को देखने का सबसे अच्छा समय सनसेट और सनराइज के पहले रहेगा। भारत का चंद्रयान इस समय चंद्रमा की सतह पर मौजूद है, इस वजह से भारतीयों के लिए ये खास मौका होगा।